हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया मैम। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग अपर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 9th और 10th और 11th 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और कैसे हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स द एक्शन। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, then that sentence is in active voice. वो sentence क्या होगा? Active voice के form में। For example, we can take Ram helps him. अब यहाँ पर राम जो है ये subject है और एक verb perform कर रहा है, यानी help। यानी help क्या है? एक verb है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो किसी की मदद कर रहा है। सो राम हेल्प्स हिम इज़ इन एक्टिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पैसिव वॉइस देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन। जब सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जब हम सेंटेंस को सब्जेक्ट को बाद में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, then that sentence is in passive voice. For example, he is helped by Ram. अब यहाँ पे आपने देखा कि राम जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो वो बंदा राम के द्वारा मदद किया गया है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट किस चीज़ का है? ही है। और सब्जेक्ट जो है वो एक्शन ले रहा है, यानी किससे ले रहा है? राम से ले रहा है। दिस मीन्स कि ही इज़ हेल्प बाय राम इज़ इन पैसिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है और उनको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक कम्प्लीट या मीनिंगफुल सेंटेंस की बात करें तो उसका फ्रेमवर्क होता है। उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है वो किस प्रकार से होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। या किसी भी सेंटेंस का फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, दे प्ले क्रिकेट। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो स्ट्रक्चर वर्क है कुछ इस तरीके से, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। तो यहाँ पे दे इज़ सब्जेक्ट, आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज़ मेन वर्ब, फुटबॉल इज़ ऑब्जेक्ट एंड इन द फील्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होते हैं जो आप सेंटेंस के एंड में जोड़ते हैं। तो ये कुछ फ्रेमवर्क है जो एक कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंटेंस का पार्ट होता है। तो सिमिलरली सेम चीज़ें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में भी आपको देखने को मिलती है और उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज देखने को मिलता है।
तो आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिए हैं, राम किल्ड रावण एंड सेकेंड सेंटेंस है हरी राइट्स ए लेटर। सिमिलरली इसके सामने भी मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, रावण वॉज किल्ड बाई राम, अ लेटर इज रिटन बाई हरी। अब दोनों ही सेंटेंस में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने पहले दो सेंटेंस लेते हैं, राम किल्ड रावण एंड हरी राइट्स लेटर। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है दोनों के दोनों, राम किल्ड रावण एंड हरी राइट्स अ लेटर, ये दोनों ही सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है। इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। ये किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? ये एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है। यहाँ पे राम एंड हरी, मैं किसकी बात कर रही हूँ? राम की बात कर रही हूँ और हरी की बात कर रही हूँ। ये दोनों ही जो है ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। ये दोनों ही क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। और ये दोनों जो हैं ये क्या है, एक्शन परफॉर्मर्स हैं। एक्शन परफॉर्मर्स मतलब जो काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट भी हैं और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनको एक्शन परफॉर्मर भी कह सकते हो या फिर डूअर्स भी कह सकते हो। ये क्या है, डूअर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरे वर्ड की अगर मैं बात करूँ, तीसरा वर्ड कौन सा है, जैसे कि किल्ड एंड राइट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात की किल्ड की और राइट्स की। तो किल्ड और राइट जो है ये क्या है, एक्शन रिलेटेड वर्ड्स। दीज आर एक्शन रिलेटेड वर्ड्स। तो ये है पहले दो सेंटेंस का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने अगले दो सेंटेंस की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, रावण वॉज किल्ड बाई राम एंड अ लेटर इज रिटन बाई हरी। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये दोनों ही सेंटेंस जो है ये पैसिव फॉर्म में है, यानी पैसिव वॉइस के फॉर्म में है। यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह। जैसे राम सब्जेक्ट था, रावण ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस में ये चीज़ क्या हो गई, रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे रावण जो है ये सब्जेक्ट बन गया है और राम जो है वो क्या बन चुक गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दैट हेयर ऑब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर्स, देन द डूअर्स। यानी जो काम कर रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रावण ऑब्जेक्ट था तो रावण सब्जेक्ट की जगह आ गया, और यहाँ पे रावण जो है और उसका जो वर्ब उसके साथ जुड़ा हुआ है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डूअर। डूअर कौन था, राम, क्योंकि मारने वाला तो राम ही है। तो राम जो है वो डूअर है, लेकिन पैसिव वॉइस के केस में जो ऑब्जेक्ट है और एक्शन वर्ब है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इन पैसिव वॉइस। ओके, इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग बिगिनिंग में लिखते हैं इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में लिखेंगे, बिगिनिंग में लिखेंगे, और सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपको डिफरेंस बताया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मेन रूल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक्टिव और पैसिव को कन्वर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रूल्स चाहिए, आज हम उसका सिर्फ एक इंट्रो देख लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उस रूल को विथ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो रूल है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का, दैट इज़ सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। यानी
एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, यानी वाइस वर्सा। तो पहला रूल एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का यही है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में जाके अपनी प्लेस को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। सेकेंड रूल है स्टूडेंट्स, द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। यानी जो मेन वर्ब होता है एक्टिव वॉइस का या सेंटेंस का, वो हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज जब होगा तो किस में चेंज होगा, पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल नंबर टू है। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज हो रहा है तो जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यानी जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, बींग, बीन, ये सारी चीज़ें मेन वर्ब के यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के आगे यूज़ करना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। दिस इज़ द रूल नंबर थ्री। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट रूल है, दैट इज़ अगर सेंटेंस में प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं तो प्रोनाउंस को भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज किया जाता है, और कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो कभी कभी एक्टिव में मेंशन नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब ये जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं या मैंने जो बताए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक एग्जांपल को लेके समझेंगे, और जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा किसी भी एक्टिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ कुछ सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।